नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री किशोरी सेवाधाम आरोग्य भारत के तहत वेद शक्ति आयुर्वेद के आयुष से आपको बहुत सारा लाभ दिया जा रहा है। लाखों लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। हमारी सेवा सबको फलित होती है। हम बड़े भाव से सेवा करते हैं, मेडिकल की, औषधि की, आयुर्वेद की, प्रकृति को भगवान मानकर। तो आज ये प्रश्न आया है कि लीवर अगर इन्फेक्टेड हो गया है, यानी सूजन आ गई है, या फैटी हो गया है, या इन्फेक्शन है, या बैठ गया है, खराब हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जो लीवर को हम अच्छा कर पाए। लीवर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले लीवर का रिपोर्ट करें, और लीवर का रिपोर्ट करके किसी विद्वान को दिखाएं, डॉक्टर आदि को दिखाएं, पहले समझ लें कि लीवर में हुआ क्या है। उसके हिसाब से अगर लीवर आपका बैठ रहा है, कमजोर हो रहा है, या सूजन है, या इन्फेक्टेड हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, खून नहीं बन रहा है, आपको पचन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए घरेलू उपाय है हमारे पास में, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो प्रकृति है, खेत खलिहान है। आयुर्वेद जो है वो गार्डन है। आयुर्वेद जो है वो रोडों पे लगने वाले पेड़ पौधे हैं। आयुर्वेद माने घास फूस है। आयुर्वेद माने जड़ी बूटियां, माने लौंग, सुपारी, इलायची है। ये सब आयुर्वेद है। ये हमारा आहार है, हमारा जीवन है। ये औषधि नहीं है। इसी से ही जीवन चलेगा, इसी से जीवन स्वस्थ होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे लीवर को इफेक्टेड हो रहा है, हम परेशान हैं, तो सबसे पहले दूध से बना हुआ सामान खाना बंद कर दें, तला हुआ खाना बंद कर दें, मैदा खाना बंद कर दें, और मीठा खाना बंद कर दें। इतना खाना बंद करने से 50% लीवर 8 दिन में अच्छा हो जाएगा, जान आ जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी और बच जाएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपको शुगर नहीं है, तो खजूर और मनु का नित्य सुबह उपासी पेट सेवन करें, गर्म पानी पिए, इतना करें। और उसके साथ में थोड़ी सी दवा आप हमसे ले रहे हैं या किसी और कहीं से मिलती हो, थोड़ी सी दवा का भी प्रयोग करें। और कोशिश करें कि आप वस्त्र का प्राणायाम करें, वस्त्र का प्राणायाम करें। पहले दिन 2 मिनट करें, फिर 4 मिनट करें, 6 मिनट करें, 10 मिनट तक आप अभ्यास वस्त्र का प्राणायाम का कर लें, तो आपका जो लीवर है वो धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा। क्योंकि पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, और सेल्स प्राणायाम करने से चार्ज होते हैं। हर यंत्र का अलग प्राणायाम है। तो फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए, श्वास नलिका के लिए वस्त्र का प्राणायाम सबसे बड़ी दवा है, उत्तम दवा है। तो वस्त्र का प्राणायाम करने से लीवर होगा आपका अच्छा, और मेरे जो टिप्स हैं वो आपके लीवर के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा परहेज कीजिए जीवन में, और थोड़ा सा संयम कीजिए, और थोड़ा नियम कीजिए, आपका लीवर घर ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।